स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 8 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। सो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन जिनके सेम स्ट्रक्चर होते हैं बट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो द फोर लिम्स ऑफ मैन, ए लिजार्ड, ए फ्रॉग एंड ए बर्ड। तो अगर इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम रहते हैं बट जो फंक्शन इनके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो ये हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाते हैं। अगर एनालोगस ऑर्गन्स की बात करें तो उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पर जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं। अगर इसमें हम एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाता है? द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड ए बर्ड। तो जो विंग्स होते हैं इंसेक्ट के और बर्ड के, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है पर फंक्शन क्या होता है? उड़ने का ही होता है। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इवोल्यूशन? सो इवोल्यूशन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज होता है ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ ईयर में, मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर में जो भी चेंज आता है ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। सो इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो पहले वो सेल होता है, फिर धीरे धीरे टिश्यू में कन्वर्ट होता है, फिर धीरे धीरे ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म बनने की, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं, और ये मिलियन ऑफ ईयर्स में होती है। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड? सो इसकी दो मेथड होती है, या तो हम इसको रिलेटिव मेथड से कर सकते हैं या तो आइसोटोप डेटिंग मेथड से कर सकते हैं। आइसोटोप जो होता है कार्बन का C14, वो हम यूज़ में लेते हैं एज ऑफ फॉसिल निकालने के लिए। द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रिलेटिव मेथड और द आइसोटोप डेटिंग मेथड। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर फॉसिल्स? सो फॉसिल्स क्या होते हैं? जो भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स के पहले, वो निकालने के लिए हम जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। अब फॉसिल्स को हम कैसे निकालते हैं? अर्थ के नीचे जो अर्थ में डिगिंग करते हैं और हम उनके जो डेड एनिमल्स और प्लांट को निकालते हैं। सो फॉसिल्स आर द रिमेंस ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स डेट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट। द फॉसिल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड। सो यहाँ पे ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है? एक्वायर्ड ट्रेड जो होते हैं वो लाइफ टाइम जो भी हम एक्वायर्ड करते हैं उसको हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं, मीन्स लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं उनको हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं। जैसे बालों में कलर करना, आँख में लेंस लगा लेना, तो ये जो ट्रेड होते हैं इनको क्या कहेंगे हम? एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास नहीं होते हैं। वहीं पे जो इनहेरिटेड ट्रेड होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से पास होते हैं और वो हमको नेचुरली मिलते हैं। जो पेरेंट्स से हमको ट्रेड ट्रांसफ़र होते हैं उन ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। सो एक्वायर्ड ट्रेड आर द वन डेट ए पर्सन डेवलप्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, दिस आर नॉट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर। Inherited traits are the characters which are inherited by the offspring from the parents. Such traits which are carried from one generation to another are called as inherited traits. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे NK क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।